नमस्कार, मैं सुरेंद्र शर्मा, सीएलआई ट्रेडिंग विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र पूर्व रेलवे आसनसोल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले वीडियो में आपको डीजे कंट्रोल सर्किट तथा ब्लोअर कंट्रोल सर्किट के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको जीआर कंट्रोल सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यह हमारा जीआर कंट्रोल सर्किट है। जीआर कंट्रोल सर्किट में दो इम्पॉर्टेंट वाल्व होते हैं, V1 और V2। V1 वाल्व लॉन्च प्रोग्रेशन कराता है तथा V2 वाल्व लॉन्च रिग्रेशन कराता है। लॉन्च प्रोग्रेशन के लिए Q52 रिले डीएनर्जाइज होना चाहिए, Q51 रिले डीएनर्जाइज होना चाहिए। ये दोनों रिले देखिए अभी डीएनर्जाइज अवस्था में है और इसका इंटरलॉक बैठा हुआ है तथा बत्ती भी दोनों की जल रही है। Q50 रिले डी एनर्जाइज है, देखिए इसमें कोई बत्ती नहीं चल रही है, इसका इंटरलॉक नहीं बैठा हुआ है। जब हम रिवर्सल को थ्रो करेंगे तब ये रिले एनर्जाइज हो जाएगा। देखिए अभी जब हम रिवर्सल को थ्रो किए तो V1 के शाखा पर Q50 का इंटरलॉक बैठ गया तथा V2 की शाखा पर भी Q52 का इंटरलॉक बैठ गया। अब हम एक एक करके नॉच लेंगे। देखिए V1 भाग कैसे एनर्जाइज हो रहा है नॉच प्रोग्रेशन के लिए। अब नॉच रिग्रेशन होगा। देखिए नॉच रिग्रेशन के लिए V2 है, देखिए एक एक करके हम नॉच रिग्रेस कर रहे हैं। देखिए कैसे V2 भाग एनर्जाइज हो रहा है। देखिए बात और होती है, इसमें जो Q52 रिले है ये रिले नॉच बाय नॉच प्रोग्रेशन तथा नॉच बाय नॉच रिग्रेशन के काम में आता है। देखिए जब हम नॉच प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो देखिए रिले Q52 एनर्जाइज होगा फिर डी एनर्जाइज होगा, जिसके चलते नॉच बाय नॉच प्रोग्रेशन हो पाता है। देखिए हम देखिए अभी हम नॉच रिग्रेस करेंगे नॉच बाय नॉच, तब भी उसमें Q52 रिले एनर्जाइज होगा डी एनर्जाइज होगा। अब देखिए Q52 का एक रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर Q52 किसी कारण से एनर्जाइज नहीं हो रहा है, अगर वो डी एनर्जाइज ही रह गया और ड्राइवर अगर MP से नॉच लेने के लिए N से प्लस पर जब ले जाएंगे तो देखिए नॉच उठते चला जाएगा। देखिए नॉच उठते चला जा रहा है। देखिए Q51 रिले अभी डी एनर्जाइज नहीं है, इसमें बत्ती नहीं जल रही है और अगर इस समय हम नॉच लेने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए नॉच उठ रहा है कि नहीं। देखिए नॉच नहीं उठ रहा है, V1 वाल्व को सप्लाई नहीं मिल रही है और नॉच नहीं उठ रहा है। ठीक है, अब हम जाकर देखेंगे Q51 रिले को कि डी एनर्जाइज है कि नहीं है और इसको डी एनर्जाइज का इंश्योर करेंगे। देखिए अभी Q51 हम डी एनर्जाइज देखे, डी एनर्जाइज इंश्योर कर दिए, अभी हम नॉच ले रहे हैं। देखिए नॉच लेते जा रहे हैं और नॉच लेने के दरमियान ही यदि किसी कारण से Q51 रिले एनर्जाइज हो रहा है तो देखिए नॉच घटने लगेगा। देखिए Q51 का इंटरलॉक बैठ गया और V2 वाल्व को एनर्जाइज करके नॉच को घटा दिया। अब हम Q50 के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए Q50 रिले को हम रिवर्सल को थ्रो कर रहे हैं और Q50 रिले एनर्जाइज हो रहा है कि नहीं। देखिए रिवर्सल को थ्रो किए लेकिन Q50 रिले एनर्जाइज नहीं हुआ, जिसके चलते हम नॉच लेने की कोशिश करेंगे तो नॉच नहीं उठेगा। देखिए नॉच नहीं उठ रहा है। अभी हम Q50 को चेक करेंगे कि क्यों नहीं एनर्जाइज हो रहा है। Q50 को चेक करने में हमको देखना होगा कि J1 J2 डिजायर डायरेक्शन में है कि नहीं है तथा CTF 1 2 3 ट्रैक्शन साइड में है कि नहीं है तथा CX 45
खुला है कि नहीं है, अभी हम चेक करके देख रहे हैं और उसके बाद 350 को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी हम चेकिंग के बाद Q50 को एनर्जाइज किए, देखिए Q50 को सप्लाई आ गई। अभी हम नॉच ले रहे हैं, देखिए नॉच उठना शुरू हो गया। अभी नॉच ले करके हम गाड़ी चला करके जा रहे हैं, लेकिन यदि किसी कारण से Q50 डी एनर्जाइज हो जाता है, मान लीजिए कि डीजे ट्रिप कर गया या कोई भी कारण से Q50 जब डी एनर्जाइज हो जाएगा तो देखिए नॉच रिग्रेशन इस रास्ते से हो जाएगा। देखिए V2 वाल्व एनर्जाइज हो गया और नॉच पर रिग्रेस करा दिया। देखिए अभी अगर हम नॉच लेने की सारी शर्तें पूरी कर दे रहे हैं, मान लीजिए कि Q52 डी एनर्जाइज है, Q51 डी एनर्जाइज है और Q50 भी एनर्जाइज है और नॉच लेने की हम कोशिश कर रहे हैं MP से। देखिए MP से हमारा नॉच नहीं उठ रहा है, तब हम ड्राइवर को बोलते हैं हम लोग कि आप ZSMS स्विच को 1 से 0 कर दीजिए तथा BPP से नॉच लीजिए। देखिए BPP से नॉच लेने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए BPP से नॉच लिया जा रहा है और BPP से ही नॉच और BPR से फिर नॉच घटाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए नॉच घट रहा है, और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यदि ड्राइवर MP को 0 में ही रख रहा है और BPP से कोशिश कर रहा है नॉच लेने के लिए, तो देखिए नॉच 1 बढ़ेगा फिर घटेगा, 0 हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, देखिए बढ़ रहा है फिर 0 आ जा रहा है, बढ़ रहा है फिर 0 आ जा रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि जब मास्टर कंट्रोलर से और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल से भी जब नॉच नहीं उठता है तब ड्राइवर जिया नॉच उठाने के लिए मैनुअल कंट्रोल का सहारा लेते हैं और मैनुअल कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे LED सर्किट का GR कंट्रोल सर्किट से हमारे ड्राइवर को तकनीकी ज्ञान में बहुत ही इजाफा होता है और फेल्योर से बचा जा सकता है। हम विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से आपसे एक आग्रह करेंगे कि आपका यदि कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य सूचित करें और मैं भी वीडियो जब बनेगा तो मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।